हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ऑथेंटिकेशन मेथड को अब बंद करने वाला है? जी हाँ, आपने सही सुना, बेसिक ऑथेंटिकेशन फीचर 1 अक्टूबर 2022 को बंद हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है। बेसिक ऑथेंटिकेशन को प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है। इस मेथड में यूजर को वेरीफाई करा जाता है। यूजर को वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड और कुछ अन्य जानकारी चाहिए होती है। वैसे ही मेथड पास्ट में बहुत चलता था, लेकिन अब ये सिक्योर नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स आपकी जानकारी इससे आसानी से चुरा सकते हैं और आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ऑथेंटिकेशन को बंद कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये मेथड बंद होने वाला है तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है या नहीं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, वो है MFA। MFA का मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA एक मॉडर्न ऑथेंटिकेशन है। इसमें एक से ज्यादा आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पासवर्ड और कोड। ये कोड यूजर के फोन नंबर या ईमेल पर भेजा जाता है। MFA बेसिक ऑथेंटिकेशन से ज़्यादा सिक्योर मेथड है। इससे साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके अकाउंट को हैक करना। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड कर रहा है कि यूजर्स जल्दी से जल्दी MFA को अडॉप्ट कर लें ताकि उनका डाटा सिक्योर रहे। माइक्रोसॉफ्ट ये एक्शन इसलिए ले रहा है क्योंकि वो एक्सचेंज ऑनलाइन यूजर की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डाटा सिक्योर रखें, तभी माइक्रोसॉफ्ट ये मेथड आपको बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक ऑथेंटिकेशन बंद होने से कुछ चीज़ों में गिराव आ सकता है, जैसे कि एक्सचेंज ऑनलाइन रिटायर्स में, लेगेसी प्रोटोकॉल्स में लाइक एक्सचेंज वेब सर्वर्स, ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 और रिमोट पावर शेल में। अगर आप इस चीज़ में जल्दी से एक्शन नहीं लेते तो आप अपनी ईमेल, कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर डाटा के एक्सेस को खो देंगे। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर इन डिवाइस या एप्लीकेशन में आपका डाटा ऑलरेडी स्टोर है तो उसका क्या होगा? देखिए, जो यूज़र आउटलुक 2010 यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपने आउटलुक का न्यू वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे ही बेसिक ऑथेंटिकेशन हटाया जाएगा, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मॉडर्न ऑथेंटिकेशन अनेबल होना चाहिए आपके एक्सचेंज ऑनलाइन अकाउंट में। मेक श्योर कि आपके पास ऑफिस का पेड प्लान होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ऑलरेडी लेगेसी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और ज़रूर चेक कर लें कि जो पेड प्लान आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, और आपको मॉडर्न ऑथेंटिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।